I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौकीन कनपुरिया। और आज हम लोग कानपुर में एक बहुत ही नायाब कोटा बकरा और दो सोजत बकरे देखने जा रहे हैं, जिनका वेट बहुत ही एक्सट्रीम वेट पे हैं। हाइट, क्वालिटी, हर चीज़ बेहतरीन है। तो इंशाल्लाह इस बकरे को पूरा कवर करते हैं, इसकी पूरी डिटेल लेते हैं। ठीक है, पहले ओनर से मिलते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई भाई थोड़ा तेज बोलिएगा। भाई क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद समीर। तो समीर भाई ये बताइए, ये जो बकरा है कब से है आपके पास? ये भाई मेरे पास दो साल हो गए। इसका थोड़ा फेस इधर करिएगा मेरी तरफ। भाई ये दोस्तों ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन वेट जिसे कहते हैं, पूरी बनावट वाला बकरा है, बेहतरीन हाइट का है। तो भाई ये बताइए, इसको आप भराई पे रखे हैं कि मुंह से खाता है? मैं मुंह से खाता है। देखिए आपके सामने सब ऐसे रखा। अच्छा, मुंह से खाता है जी। भराई के लिए बहुत दिक्कत होती है, कभी हम लोग ने बकरे अपने भरे नहीं। अच्छा ठीक है, भराई खिलाफ है आप? हाँ, भराई खिलाफ बिल्कुल, आज से नहीं बाप दादा को जमानों से। अच्छा अच्छा फ्रेंड, इसके पैर देखिए कितनी बेहतरीन बनावट के। साइड एडवाइज जरा इसके जो सीना दिखाएंगे एक बार, ये देखिए दोस्तों, सीना एकदम हैवी है, बना हुआ है, बहुत ही बड़ा जो एक्सट्रीम क्वालिटी वाला बकरा होता है। सिंगिंग देखिए, बेहतरीन सिक्के हैं। इसकी भाई क्या हाइट होगी? ये 48 इंची है। 48? भाई मुझे ये 44 का लग रहा है, 44 इंची हाइट है। 44 कभी नापा ही नहीं कभी वाला कोई टाइप का नहीं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है 44-45 होगी इसकी गालिबन। अच्छा भाई, अगर कोई लेगा तो आप नाप दोगे जी? और इसका वेट कितना होगा अभी? इसका वेट अभी 2 महीने मैंने पहले तौला था। हाँ, तो इसका वेट था 148 किलो। 148 किलो, 145-148 होगा। ठीक है, 145 पकड़ के चलते हैं। ठीक है भाई, तो ये देखिए दोस्तों, इसकी बनावट देखिए, इसका पूरा फ्रेम देखिए कितना बड़ा बकरा है। सींगिंग देखिए एकदम यूनिक क्वालिटी के, इसके सींग भी हैं। कानन की लेंथ देखिए, इसकी झालर देखिए, कोटा का बकरा है, कोटा नस्ल का है। भाई ये देखिए, सबसे बड़ी बात है इतना वेट होने के बाद भी एक्टिव कितना है ये। थोड़ा सा भाई इसको एक बार और इधर लाएंगे प्लीज। तो भाई इसका कोई नाम रखा है आपने? जी टाइगर। टाइगर माशाल्लाह से भाई है भी एकदम टाइगर वाला बकरा ये। खुद ही देख लो। हाँ भाई, इसकी हर चीज बेहतरीन है, इसकी साइड्स, झालर, गर्दन और गर्दन वाला बकरा ही नहीं होगा माशाल्लाह से भाई। 100-200 किलोमीटर में आप देख लीजिए। नहीं, कानपुर में तो भाई हमने इस फ्रेम का बकरा भाई बहुत ही मुश्किल है मिलना। बड़े बकरे हैं लेकिन इस फ्रेम का इतना एक्टिव, वो भी मुंह से खाने वाला बकरा शायद ही कोई मिले। भाई ये बताइए, इसकी क्या डिमांड आपने रखी है? 160-150 मान ले। अच्छा, अगर कोई पार्टी जेन्युइन आपसे लेने वाली कॉल करती है आपको, तो रेट में कुछ निगोशिएशन हो जाएगा? अब आपकी मोहब्बत है, जो कहेंगे वो कर देंगे। ठीक है भाई। अच्छा ये बताइए, अगर इसे मान ले कानपुर के बाहर की कोई पार्टी आपसे कांटेक्ट करती तो माल चला जाएगा? कोई दिक्कत। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था टाइगर, बहुत ही शानदार। अभी दो बच्चे इनके और हैं, वो भी बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी के, वो भी आपको दिखाते हैं।